मैंने ये नहीं कहा कि मेरा भाई बदतमीज है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि उसे मेरा बात करना बुरा लगा। एक ही बात है। मुझे नहीं लगता। तुम्हें कैसे लगेगा? तुम्हारा भाई जो है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपके गुस्से की वजह क्या है, रूहान या रीबा? अगर तो रूहान है तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि रूहान को समझाने के लिए मॉम डैड मौजूद है। और अगर अरीबा की क्या मतलब? अरीबा फारिस, इतनी रात के तुम यहां अकेले? कुछ नहीं मॉम, मुझसे शेयर नहीं करोगे? बस छोड़ दे मॉम। फारिस क्या बात है, मैं जब भी तुम्हारे कमरे के पास से गुजरती हूँ हर वक्त लड़ाई की आवाज आती है। आप हमारी जासूसी करती हैं मॉम? अब नहीं, मैं क्यों जासूसी करूंगी मॉम, बस मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दें प्लीज। और कोई खुशखबरी जॉब के हवाले से? नहीं यार। क्यों? तुम्हें मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे तो कोई एमए वाले को नहीं पूछता, कुछ आईकॉम वाले को कौन पूछेगा? सब ने चेक कर दिया। मैं फिर भी यही कहूंगी, तुम बहुत जल्दी मायूस हो गई। कितनी सारी जगह पे? पांच जगहों पे। पांच? भाई ने जाने कितनी सारी जगह पर अप्लाई किया था। तुम्हारे भाई की बात अलग है यार, वो लड़के हैं, कर सकते हैं। मुझे तो हर बार जाने से पहले एमए से इजाजत लेनी पड़ती है, और फिर किराए के पैसे अलग। इतने दूर दूर इंटरव्यू के लिए गई हूँ ना कि तुम्हें बता नहीं सकती। अखबार में देखती रहो, देखना एक ना एक दिन बाद जरूर बन जाएगी। तुम कहती हो तो लगी रहती हूँ उस काम पे, थी उसको भी एक जॉब ही समझ लो, बिना तनख्वाह वाली जॉब। उठ गई स्वीकार जी? आंटी फारिस चले गए? वो तो सुबह ही चला गया था, तुम्हें उसके उठने की खबर नहीं हुई? नहीं, लगता है मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। समर जी, बेटा कल तुम्हारे कमरे से फारिस के बहुत गुस्से से बोलने की आवाजें आ रही थी, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं तो। कम ऑन समर, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। आंटी झगड़ा नहीं हुआ था, बस फारिस मुझे समझा रहे थे, मैं ही पागल हूँ, समझने के बजाय मैं आर्ग्यू किए जा रही थी उनसे। बेटा क्या समझा रहा था तुम्हें वो? कुछ खास नहीं, बस रूहान के बारे में बात हो रही थी। फारिस समझते हैं कि रूहान अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन बेटा इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, तो क्यों नहीं बनता झगड़ा करने का? पता नहीं आंटी, अंदाजा ही नहीं हुआ कब इतनी सी बात पर हम इतना झगड़ने लगे। देखो बेटा, जहां प्यार नहीं होता ना, वहां फिर ऐसा तो होता ही है। Try to understand. आपको कैसे समझाऊं आंटी, जहां प्यार को समझने वाला ना, हाँ ये सब तो होगा। Excuse me? Yes? आज मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू की कॉल तो 4 बजे की थी, आप तो जल्दी आ गए हैं। एक्चुअली मैं कॉलेज से सीधा यहाँ आई हूँ। कोई बात नहीं, आप वहाँ बैठे हैं।
थैंक यू। Excuse me? Yes. पानी किस तरफ होगा? ये सामने वाटर डिस्पेंसर है ना, आप यहीं से पानी पी लें। थैंक यू। या नो माइक आई सी यू। हेलो हेलो, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? कांट यू सी? क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं पानी पीने जा रही हूँ। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो ऑफिस में? मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। मैं क्या इंटरव्यू, जाओ वहां जाके बैठो। प्लीज गो। सॉरी। जी डैड बोले। फॉरेस्ट, तुमने आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। हाँ, मैंने कैंसिल करवा दी। क्यों? बस वो मेरी तैयारी नहीं थी और जो प्रेजेंटेशन रात को आई थी वो मैं देख नहीं सका। दैट्स व्हाई आई डिडंट गो। कम ऑन फॉरेस्ट बेटा, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, देख लेते। डैड मैं थका हुआ था और एक मीटिंग कैंसिल हो गई, कौन सी कयामत आ गई है? जी सर, जी जी, ओके। एक्सक्यूज मी, आप अंदर चले जाएं, आपको कॉल आ गई है। ओके। आपकी क्वालिफिकेशन तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी नहीं है, तो फिर आप यहाँ जॉब के लिए कैसे आ गए? एक्चुअली आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बीकॉम है और मैंने आईकॉम बहुत अच्छे नंबर से पास किया। मैं बीकॉम के फाइनल ईयर में हूँ। लेकिन अभी आपने पास तो नहीं किया ना? ये तो मुझे देख के खुशी हो रही है कि आपने मैट्रिक और आईकॉम के नंबर्स बड़े शानदार लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बीकॉम में भी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। जी सर, इंशाल्लाह। मैं अपने कॉलेज की बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मेरे टीचर्स को मुझ पे फखर है। एडिशनल कोर्सेज में भी आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सर। मैं चीज़ों को जल्दी पिक करने की कोशिश करती हूँ, आपको भी मायूस नहीं करूँगी अगर आप मुझे जॉब देते हैं तो। देख लीजिएगा, मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के सामने जवाब देना पड़ता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते से जॉब पे आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। अमित सर। सर, डैड कहाँ है, फोन नहीं उठा रहे। सर वो तो मीटिंग पे चले गए, मुझे साथ जाना था। चलो मैं कॉल कर लेता हूँ। ये कौन है? ये राफेल साहब हैं, हमारे बॉस के बेटे। आप पेपर्स मुझे वापस कर दें, मुझे इनके ऑफिस में काम नहीं करना। जी
बस मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, आप पेपर्स मुझे वापस कर दें। जी सर, आपने बुलाया? जी हमीद साहब, ये जो अभी लड़की आई थी इंटरव्यू के लिए, जी सर, ये कैसी कैंडिडेट थी? सर लड़की तो अच्छी है और क्वालिफिकेशन भी ठीक है। तो फिर अपॉइंट कर दिया आपने? सर मैंने तो अपॉइंट उसे कर दिया था, लेकिन लेकिन क्या? सर मैंने जॉब दे दी थी, उसने कबूल भी कर ली थी, फिर अचानक आप आ गए, उसने आपको देख के मना कर दिया। मुझे देख के मना कर दिया? क्यों? आपके जाने के बाद उसने मुझसे आपके बारे में पूछा और फिर मुझे कहा कि मैं आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकती। मैंने जब वजह पूछी तो कहती है कि इन साहब के ऑफिस में मैंने काम नहीं करना। अभी भी यही है। ठीक है, थैंक यू मीन साहब। No, Mike. I'll send you the... Hello? Hello? What the hell is wrong with you? Can't you see? क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं पानी पीने जा रही हूँ। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो ऑफिस में? मैं इंटरव्यू के लिए आई। हर में गया इंटरव्यू, जाओ वहाँ जाके बैठो। Excuse me. Excuse me. I'm sorry. I didn't know you were there. I was on a call actually. वो कॉल भी कट गई, वॉज अ फॉरेन क्लाइंट, मुझे गुस्सा आ गया। आई एम रियली सॉरी। लिसन 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 बोले। आई अपोलोजाइज, आप कुछ कहे बगैर चली तो? तो ये कि आपने मेरी बात कर सुने, मुझे ऐसी कंपनी में जॉब ही नहीं करनी जिसे आप जिसे बदतमीज लोग रन कर रहे हो। तो मैंने भी कहा था ना, जिसे एक्सेप्ट करने के बजाय आपने मुझे मज़ीद बातें सुनाई। I'm sorry again. Actually, I was on a call कट गई, मुझे गुस्सा आ गया, गलती से मुंह से बात निकल गई। आप कैसे मानेंगे मेरी अपॉलोजी? प्लीज बता दीजिए। ओके, मैं कान पकड़। अच्छा ओके। थैंक यू। अब आप प्लीज जाइए, हमीद साहब से मिल लीजिए प्लीज। व्हाट रियली, मनाहिल पाकिस्तान आ रही है? दैट्स सच अ गुड न्यूज। हाँ कम ऑन, वो होटल में क्यों रहेगी, ये घर भी तो उसका अपना घर ही है। फिक्र ही मत करो भाई, वो जितने दिन चाहे वो मेरे पास रहे। हाँ मुझे छोड़ दो सारी बातें, मुझे जल्दी से बताओ कि उसकी फ्लाइट कितने बजे की है। बस डन हो गया, फारिस उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। हाँ बस ठीक है, ओके टेक केयर, बाय। कौन आ रहा है आंटी? मनाहिल आ रही है। नाहिल कौन? ओ अच्छा, तुम नहीं जानती, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटी है, फारिस की बहुत अच्छी दोस्त है, कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आ रही है, हमारे पास ही रुकेगी। फारिस की दोस्त? एक्चुअली ये दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, सो इन दोनों की बहुत बहुत गहरी दोस्ती है। तो कितने दिनों के लिए आ रही है? ऑब्वियसली अब कैनेडा से आ रही है तो कुछ दिन तो हमारे साथ ही रहेगी ना। तो आंटी उनके पाकिस्तान में कोई और रिलेटिव्स नहीं है क्या? कौन जिमल, क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑब्वियसली उसके कोई रिलेटिव्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए तो हमारे पास रुकी। ओह माय गॉड, मैं सकीना से बोलूँ उसके लिए कमरा तो सेट करे। सकीना अम्मी मेरी जॉब लग गई है। क्या वाकई? जी अम्मी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरीबा आपी, मेरी जॉब लग गई है। क्या हुआ, आपको वाकई में खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर तुमने इतनी मेहनत की है, न्यूज़पेपर में इश्तहारात देखे हैं, कॉल्स की हैं, फिर इंटरव्यूज दिए हैं, मुबारक हो तुम्हें।
भाई अल्लाह का शुक्र है अब इस घर के हालात बदल जाएंगे। इसके जॉब से घर के हालात बदलेंगे, पहले पूछ तो ले तनख्वाह कितनी है। सादिया कितनी तनख्वाह लगी है तुम्हारी? अम्मी वो अभी शुरुआत है ना, तो वो कह रहे थे कि कम तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। हाँ फिर भी कितनी? 15,000। लो ये क्या कम है भाई, हमारे लिए तो बहुत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह इसमें भी बरकत देगा इंशाल्लाह। 15,000 में घर के हालात बदलेंगे, आधे ज्यादा तो इसके किराए में लग जाएंगे। नहीं मैं पैदल आया जाया करूंगी। मेरे और सादिया के लिए ये बहुत है, तुम तो अगले घर जाने की तैयारी करो। कब से जाने जॉब पर? अम्मी अगले हफ्ते से जाऊंगी। चलो अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। मैं दो नफर शुक्राने के पढ़ के आती हूँ। फारिस। जी मॉम। कल मनाहिल आ रही है बेटा। अच्छा। कल शाम में तुम उसे पिक कर लेना। ओके मैं उसे पिक कर लूँ। आप कुछ कहे बगैर चली तो ये कि आपने मेरी बात कर सुने। मुझे ऐसी कंपनी में जॉब ही नहीं करनी जिसे आप जैसे बदतमीज लोग रन कर रहे हो। Listen, I apologize to you. Sorry, तो मैंने भी कहा था ना, जिसे एक्सेप्ट करने के बजाय आपने मुझे मजीद बातें सुनाई। समल बेटा जरा कल खाने की अरेंजमेंट को खुद देख लेना। कुक से कहना कि कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस भी बना ले, कोई मे बी थाई कुछ चाइनीज वगैरह। खाने पीने की बहुत शौकीन है वो। ठीक है आंटी, आप फिक्र ना करें, मैं सब मैनेज कर लूँगी। गुड, आई नो योर वर्ड। बस मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी रिसेप्शन मिले उसे। तुम्हारी शादी के बाद पहली दफ़ा आ रही है ना, सो ऑफ कोर्स आई वुड वॉन्ट के उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़े। बिल्कुल आंटी, डोंट वरी, आई मैनेज। सर्टेनली। अरे मैं ये भी सोच रही थी कि क्या चीज़ मिस आउट कर रही हूँ। उसका कमरा सेट करवा दिया तुमने? जी जी आंटी, मैंने कह दिया था, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ सारे अरेंजमेंट्स। थैंक यू बेटा। चल मैं चेक करके आती हूँ। फारिस एक बात कहूँ, माइंड मत करना। बोलिए। तुम मनाहिल से पहले की तरह से ज्यादा फ्री मत होना। मतलब? मतलब ये कि वो पहले जैसा हंसी मजाक वगैरह। देखो अब तुम शादीशुदा हो, इस घर में तुम्हारी बीवी है। मैं नहीं चाहती कि वो कोई ऐसी बात देखकर नाराज हो जाए या इनसिक्योरिटी महसूस करे। मॉम, जमल इतनी भी नैरो माइंडेड नहीं है। मेरा काम था तुम्हें बता दें, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद समझदार हो। वैसे भी तुम कौन सी मेरी हर बात मानते हो। मैंने शादी की बात मान ली, इसे ही बहुत समझे। May I come in? Yes. Sir, ये नीचे फाइल। कैसा जा रहा है आपका काम? मिस सादिया। या सो सादिया, आपको ऑफिस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। सर तो मत कहिए। तो और क्या कहूँ, आपको तो सब यहाँ पर सर ही कहते हैं। वैलिड पॉइंट। आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो सर। ऑफिस में आपको कोई भी मसला हो आप डायरेक्टली मुझे बताएं। श्योर सर।
सर मैं जाऊं? या प्लीज। थैंक यू। यू वेलकम। हाय मन्ना। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? हाय। ओ यू वेल। यस। ओ हाय। हाय। और सुना, सफर कैसा रहा? ओ पांटी मत पूछे, बिजनेस क्लास थी पर फिर भी मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई नो, इट वाज अ लॉन्ग फ्लाइट ना। वेरी लॉन्ग। चलो फिर तुम जाके अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ और फिर मिलके खाना खाते हैं। हमने भी खाना नहीं खाया, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पांडी मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। एक्सेलेंट। फारिस मनाहल को उसके कमरे तक छोड़ा। आंटी मैं छोड़ाती हूँ ना। कहाँ मनाहल? देखा तुमने जमल का रवैया? क्या हुआ? कितनी पोजेसिव हो रही थी। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मनाहल को कमरे में छोड़ो और वो खुद उसे लेकर चली गई। तो ठीक तो है। मैं जमल को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि बीवी इस तरह से पोजेसिव हो जाती है, इसलिए तुम्हें जरा केयरफुल रहना पड़ेगा। जी ठीक है। Wow, beautiful room, I must say. आंटी की चॉइस ना हर चीज में बहुत अच्छी है। ये आंटी ने नहीं, मैंने डेकोर किया इस रूम का। मतलब कि तुम? प्लीज डोंट माइंड, तुम बुला लो ना। Of course. संभल, तुमने मुझे अपना रूम दिया है। नहीं, वो एक्चुअली पूरे घर का डेकोर मैंने ही तो किया है। Really nice. बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। थैंक यू। चलो टेक सम रेस्ट, बाद में बात करते हैं। कैसा लगा खाना बनाए? बहुत अच्छा है आंटी। फारिस तुम्हारी बीवी ने बनाया खाना? ये बात तुम मुझसे भी पूछ सकती हो मनाहिल। अभी हमने एक्चुअली घर का काम शुरू नहीं करवाया समय से। इसका मतलब है बहू के खूब नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई, मेरी एक ही एक तो बहू है। अच्छा, वैसे मुझे तो लगा था फारिस दो शादियां करेगा। क्या मतलब? मजाक कर रही थी आंटी। तो समझ रही थी कि तुम समझदार हो गई होगी, पर तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। आंटी जिंदगी का मजा इसी फ्रैंकनेस में तो है। ये तो तुमने सही कहा भाई। मुझे अब ऑनेस्टली बताओ, तुमने मुझे मिस किया या नहीं? आंटी मैंने आपको बहुत याद किया सच बताऊं तो, लेकिन मैंने फारिस को बहुत ज्यादा याद किया। मेरी? Why? अरे यार तुम मेरे दोस्त थे, तुम्हारी कैसे याद ना आती? सिर्फ दोस्त के हवाले से याद आती थी क्या? और किस हवाले से किसी को याद किया जाता? मुझे क्या पता, तुम्हें ही पता होगा। अरे मुझे बताओ कि तुम ग्रीन टी लोगी खाने के बाद या कॉफी? आंटी ग्रीन टी विल बी फाइन। ओके सकीना भाई, ग्रीन टी बना दो सबके लिए। सादिया बेटा गरम रोटी ला दूं? नहीं अम्मी मैं ये खा लेती हूँ। अरे ये तो ठंडी हो गई होगी, गरम ला देती हूँ। क्या बात है, बड़े नखरे उठाए जा रहे हैं सादिया के। अरे वो थकी थी आई है सारा दिन की। जाहिर सी बात है, अब कमाने जो लग गई है नखरे तो उठाए ही जाएंगे, है ना? ऐसा क्यों सोच रही है रीबा आप भी? अम्मी ने सारी जिंदगी आपके भी तो कितने नखरे उठाए। हर ईद पे मुझसे महंगा जोड़ा आपके लिए आता था और मुझसे महंगे कॉलेज में पढ़ रही हैं आप, कि मैं तो एक काम से कॉलेज में जाती हूँ। अच्छा बस अब अम्मी के एहसान नहीं गिनवाना शुरू कर देना। मैं एहसान नहीं गिनवा रही,
सिर्फ बात करी। अच्छा तुम्हारे लिए भी गर्म रोटी ले आती। बस रहने दे, खाना खा लिया मैंने। इसे क्या हो गया? ये क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही है? पता नहीं अम्मी। अच्छा चलो तुम तो खाना खाओ। वैसे फारिस, I think तुम्हारी वाइफ मुझे देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई। ये किसने कहा तुझे? मुझे खुद महसूस हुआ ऐसा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ओके, इफ यू से सो, मान लेते। वैसे तुम ये कह रही क्यों? क्या वजह है तुम्हारे पास? यू नो कुछ वाइफ्स काफी इनसिक्योर होती हैं। इनसिक्योर? या नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस नए लोगों के सामने ऐसे ही होती है, बस चंद दिन में ठीक हो जाएगी। चलो ओके, बट आई थिंक सारी गलती मेरी अपनी है। क्यों? मैं सबके साथ इतनी जल्दी फ्री होने की कोशिश करती हूँ एंड आई थिंक लोग इतने सोशल नहीं होते ना। तुम छोड़ो उसके बारे में, तब मत सोचो। हाँ हाँ ऑब्वियसली, अब इस बारे में मैं क्यों सोचूंगी, तुम सोचोगे, तुम हो उसके शोहर। वैसे फारिस तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत जल्दी शादी कर लिया? मुझे तो लगता था तुम मुझे प्रपोज करो। क्या? हाँ मुझे लगा था तुम मुझसे शादी करोगे। नायल हमारे बीच में ऐसी कोई बात हुई नहीं। फारिस मैं मजाक कर रही हूँ, रिलैक्स हो जाओ यार। अरीबा वो आ गई है। कौन? मेरी सौतन। क्या किसकी बात कर रही हो तुम? मिनाहिल। मिनाहिल कौन? फारिस लोगों की कोई फैमिली फ्रेंड है, कनाडा से आई है आज, और आते साथ फारिस से ऐसे मिल रही थी जैसे फारिस की कोई बीवी हो। क्या? हाँ मुझे तो पक्का लगता है कि ये वही लड़की है जिससे फारिस रात को फोन पर बातें करते हैं। नहीं नहीं जमल, ये नहीं हो सकती। वो तुम आओ तो सही, आकर देखो, खुद देखकर तुम यही कहोगी कि ये वही लड़की है। अच्छा ठीक है मैं मिल लूंगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा चलो ओके, लाफिस। मिनाहिल, मीट डिफ्रॉस्ट कर लिया? जी बेगम साहब। सैंडविचेस बना लिए? जी जी। अच्छा गुड। अच्छा सैलेड जरूर बना लेना। जी, जी। आप तो पता है ना फिर सैलेड ही खाते हैं शौक से। जी ठीक। आंटी? हाँ। फारिस कहाँ है? फारिस तो चला गया। क्या वो ऑफिस चले गए? हाँ। आंटी मैंने शॉपिंग करनी थी और फारिस ने कहा था कि वो मेरे साथ जाएगा। फारिस के साथ जाना क्यों जरूरी है? वैसे भी वो इतना बिजी होते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम आंटी के साथ चले जाओ? हाँ हाँ मनाइल मैं तुम्हें ले जाती हूँ, बल्कि तुम जमल को क्यों नहीं साथ ले जाती? तुम दोनों मिलके शॉपिंग कर लो, इंजॉय करोगे। हाँ वैसे भी वो घर पे बोर ही हो रही होती है ना। जी आंटी चलोगी जमल? श्योर। सी इट वाज दैट सिंपल, सो पूछ ही लेती तुम। गो हैव फन। मिनाहिल कौन है? तो तुम तक खबर पहुंच गई? हाँ पहुंच गई, अब बताओ कौन है? वो डैड की दोस्त की बेटी है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी क्या लगती है? She's just a friend, Ariba. Nothing more. ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना। क्या कह रही हो रीबा? ऐसी बीवियों वाले बातें क्यों कर रही हो? क्या? क्या कहा है तुमने? I'm sorry. फारिस, मैं तुम्हारी बीवी ही हूँ। I know, Ariba. I'm really sorry. बस वो ऐसे ही मुँह से निकल गया। ठीक है, लेकिन दूर रहना उससे। अगली बार सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी वरना। ओके, आई विल। आई प्रॉमिस। अब खुश? देखो जमल, मनाल बहुत अरसे के बाद हमारे घर आई है।
बहुत अच्छी लड़की है, वेरी वेल बिहेव्ड, और फारिस से बहुत अरसे से दोस्ती है उसकी। आंटी आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हो जाओ। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। नहीं नहीं, देखो अगर कोई ऐसी वैसी बात होती ना तो फारिस डेफिनेटली हमें बता देता। ज़रूरी तो नहीं है कि फारिस की तरफ से कोई बात हो, नाहिल की तरफ से भी तो हो सकती है। मतलब? कुछ नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा नहीं सोचती। हाँ बट वो होता ना, बीवियाँ ज़रा जल्दी गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं आंटी। चल गुड देन, अपना ख्याल रखना, इंजॉय योर शॉपिंग। बाय बाय बेटी। अच्छा वो बात बताओ जिसको तुमने बुलाया मुझे इतना अर्जेंटली। फारिस मैं अब सब्र नहीं कर सकती। क्यों, अब क्या हुआ? पता नहीं लेकिन मैं अब और सब्र नहीं कर सकती। रीबा अब तक जो भी हुआ है तुम्हारे कहने पर हुआ है, तो अब बना बनाया खेल क्यों खराब कर रही हो? सब कुछ तरीके से हो रहा है, मेरे अकाउंट में सेविंग्स बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, और बस एक बड़ी रकम आएगी तो हम सबको बता देंगे। मैं ये बात नहीं कर रही। तो फिर क्या बात कर रही है? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकती। मैं तुमसे दूर कौन सा हूँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ। हाँ लेकिन मैं तुम्हारे और पास रहना चाहती हूँ, मेरा मतलब मैं तुम्हारे ऑफिस में जॉब करना चाहती हूँ। क्या? क्यों, क्या क्या हुआ? नहीं वो फारिस मैं चाहती हूँ कि मैं हर वक्त बस तुम्हें देखती रहूँ। रीबा वो ऑफिस मेरा नहीं है, मेरे डैड का है। जानती हूँ लेकिन ये भी जानती कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। क्या करूँ मैं यार? तुम एकदम से इतना कमजोर बिहेव क्यों कर रहे हो? तुमने बात ही ऐसी की है। तुम्हारे लिए तो मेरा हर काम मुश्किल ही लगता है, इनफैक्ट नामुमकिन। अच्छा मैं कुछ करता हूँ लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। अभी से कोई उम्मीद ना पालना, पहले मुझे थोड़ा सोचना था उसके बारे में। मुझे पता है मेरे लिए तुम कर लोगे कुछ भी, है ना? तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ कुछ खास पसंद नहीं आया। लगता है तुम्हारा शॉपिंग करने का इरादा ही नहीं था। मतलब कि आप इतनी शॉप्स में घूमे तुम्हें अपने लिए कुछ भी पसंद नहीं आया, इसका तो यही मतलब है ना कि तुम शॉपिंग करना चाहती ही नहीं थी। पता नहीं चाहती क्या थी। जमल मैं जब से आई हूँ मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझसे डबल मीनिंग बातें किए जा रही है, तो मुझे सबका मतलब समझा सकती है? वो इसलिए क्योंकि जब से तुम आई हो तब से तुम्हारा ये टू फेस्ड बिहेवियर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। टू फेस्ड? मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो मैं नहीं पा रही, तुम है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, कहाँ थी इतनी देर से? वो मैं जॉब का पता करने गई थी। जॉब? हाँ तो इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है? अपने लिए? नहीं आपके लिए। अम्मी अजीब बातें करती हैं, आप अपने लिए ही जॉब ढूंढूंगी ना, आपके लिए तो नहीं। ना भाई मुझे नहीं करवानी तुमसे कोई जॉब। लेकिन क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है, नहीं करवानी तो नहीं करवानी। लेकिन कोई वजह भी तो होगी ना अम्मी। शादी करो और अपने घर जाओ, फिर जो शौहर कहे वो करो। तो भाई अभी कौन सा हो रही है शादी, जब शादी होगी तो जॉब छोड़ दूंगी। हरगिज़ नहीं। आखिर आपको मसला क्या है, जब शादी जॉब करती है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको,
अरे सादिया की बात और है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे बुरे की तमीज रखती है, और तुम ना भाई ना। अम्मी अब आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अरे तो क्या हो गया, सालों तुम अपनी माँ की बेइज्जती करती आई हो, आज मैंने कर दी तो क्या हो गया। तो बस फिर ठीक है, आप भी एक बात अच्छी तरह समझ लें, मैं ये जॉब हर हाल में करूंगी और ये काम मेरे जीते जी कभी भी नहीं होगा। तो गई है। ये कोटेशन आपको दे दें। ये कोटेशन ठीक है सर, यहाँ पर मैं ऐसे ही दे देता हूँ सर, फॉरवर्ड कर देता हूँ। एक और काम है। जी सर। ऑफिस में कोई सीट खाली है? नहीं सर, बल्कि इंटर्नशिप के एक दो लड़के लड़कियों ने तो बहुत अच्छा काम किया था और वो जॉब का भी कह रहे थे, पर क्या करें सर, सीट ही अवेलेबल नहीं थी। समान साहब, आपको एक सीट की गुंजाइश करनी होगी। बट हाउ इज इट पॉसिबल? आई डोंट केयर, आप किसी को भी फायर कर दें। क्या? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करें, फिर मैं आपके पास एक लड़की भेजूंगा, उसको आप कहीं एडजस्ट कर लें ऑफिस में। जी सर। गुड। जमल बीबी जी, ये मिनाहल बीबी के कपड़े ड्राई क्लीन होकर आए हैं, तो जाकर दे देना उसे। जमल बीबी वो कमरे में नहीं है और उन्होंने कहा है कि जब मैं घर ना हूं तो मेरे कमरे में कोई ना आए। ऐसा कहा है मिनाहल ने? जी। अच्छा लाए मुझे दें, मैं ले आती हूँ।